प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार हर वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा सहित 108 कलशों से पवित्र स्नान करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अत्यधिक स्नान के कारण भगवान श्री जगन्नाथ और उनके दोनों भाई बहन बीमार पड़ जाते हैं, जिसके कारण उनको एकांतवास में रखा जाता है। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। केवल कुछ पुजारी वैद्य के रूप में भगवान की सेवा कर इनका इलाज करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा जब मूर्ति बना रहे थे, तब राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी कि वे दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। यदि दरवाजा पहले खुल गया तो वे मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण का काम हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए राजा नित्य प्रति दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उनको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं। राजा ने दरवाजा खोल दिया और शर्त अनुसार विश्वकर्मा वहां से गायब हो गए और भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी रह गई। ये देखकर राजा विलाप करने लगे। भगवान ने इंद्रद्युम्न को दर्शन देकर कहा, विलाप न करो, मैंने नारद को वचन दिया था कि बाल रूप में इसी आकार में पृथ्वी लोक पर विराजूंगा। तत्पश्चात भगवान ने राजा को आदेश दिया कि 108 घट के जल से मेरा अभिषेक किया जाए। उस दिन ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा थी। बीमार पड़ने के बाद भगवान वैसे ही रहते हैं जैसे कोई भी बीमार व्यक्ति रहता है। रत्न सिंहासन वाले वस्त्र उतार कर बिल्कुल सादे सूती श्वेत रंग के आरामदेह वस्त्र पहनते हैं। सब आभूषण उतार दिए जाते हैं। इस दौरान भगवान को हल्का खाना जैसे दूध, फलों के जूस और कई आयुर्वेदिक औषधियों के मिश्रण से काढ़ा बना कर दिया जाता है। दशमूलारिष्ट में नीम, हल्दी, हरड़, बहेड़ा, लौंग आदि अनेक जड़ी बूटियों के काढ़े से नर्म मोदक बनाकर भगवान को 10वें दिन खिलाए जाते हैं। पांचवें दिन बड़ा उड़िया मठ से फुलेरी तेल आता है, जिससे भगवान को हल्की हल्की मालिश की जाती है। भगवान पर रक्त चंदन और कस्तूरी का लेप किया जाता है। भारी पोशाक, गहने, फूलों का श्रृंगार, धूप दीप आरतियां, यानी सुबह से रात तक व्यस्त दिनचर्या में भगवान को इन क्रियाओं से राहत मिल जाती है। 15 दिनों के लिए मंदिर बंद रहता है और भक्त मंदिर के बाहर से ही उनको शीश झुकाकर उनका हालचाल पूछते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा स्वस्थ होते हैं। श्रद्धा MH1 परिवार इस साल भी प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि आप सबके घरों में खुशियां, उत्सवों का माहौल रहे, साथ ही साथ प्रभु श्री जगन्नाथ पूरे विश्व का कल्याण करें। जय श्री जगन्नाथ।